मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी, वहां पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बताए हैं और सारे के सारे वीडियोस मिलियन के व्यूज में गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम के अपेक्षा यानी कि 1 साल 2 साल पहले और अब के वीडियोस में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ गया है। पहले इतने सारे व्यूज आते थे और अब व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो सारे मंथन मैंने खुद से ही किए हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस में मुझे पता चला कि लोग मेरी हाव भाव को देखने नहीं आते हैं, बल्कि मैं जो चीज डिलीवर कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन उनको समझ में आ रही है। वही चीजें मेरे चैनल का एक चार्म था और वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो आपको मैं सारी वीडियोस पहले की तरह बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं, इसीलिए आप मेरे चैनल को देखते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये प्यार बिल्कुल खत्म मत करिए, प्यार को कम बिल्कुल मत करिए। मेरा चैनल मेरे लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस तरह से 1 साल पहले मेरा चैनल इंपॉर्टेंट था, अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो हर दिन मैं वर्क नहीं कर रही होती और गोल्डन प्ले बटन भी मुझे चाहिए, क्योंकि एक साधारण सी लड़की को सिल्वर प्ले बटन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और आप मुझे गोल्डन प्ले बटन तक भी ले जाएगा, इसी चीज़ की एक उम्मीद है और मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है कि ये चीज़ें ज़रूर अचीव होंगी। बस अगर आपका साथ रहेगा, आप मेरे वीडियोज़ को देखिएगा, मेरे वीडियोज़ को थोड़ा फॉलो करिएगा, उनको और भी ज़्यादा शेयर करिएगा, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को भी आगे बूस्ट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि एक टॉपिक जो कि मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले बनाया था और उस वीडियो को मैंने देखा और मेरे जो बात करने का अंदाज था वो मुझे लगता है कि वही मेरे चैनल का चार्म था, जो कि इस समय मेरे चैनल पे ये चार्म खत्म हो गया है। तो उस चार्म को बरकरार रखने के साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर दूंगी कि क्या चीजें होती हैं प्रेगनेंसी के, एक ऐसी सिम्टम जो कि आपको पीरियड मिस होने के पहले भी बता सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि महिलाएं अपने शरीर का ध्यान रखें, वो समझे कि उनके शरीर में क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि बहुत बार हम इतने ज्यादा कामों में बिजी होते हैं, मेरे खुद की लाइफ में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबको सॉल्व करते करते पता चलता है कि मैं चैनल के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जो कि एक सरासर गलत बात है। लेकिन यहाँ पर आपका प्राइम मोटो चैनल नहीं है, कि आपका प्राइम मोटो है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो अपने प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए आपकी जितनी भी जद्दोजहद है, जो भी चीजें आप ट्राई कर रहे हैं, उसको पूरे दिल से शिद्दत के साथ आपको करना है। जिस तरह से मैं अपने चैनल को उठाने के लिए बहुत सारे एफर्ट कर रही हूं, आपको भी अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एफर्ट करना है, अपने बॉडी को समझना है। और जब अगर आप बॉडी को समझिएगा तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं कई बार इतनी ज्यादा एंग्शियस हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है कि हाँ उनकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, उससे उनके हार्मोन भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको हार्मोन को नहीं बिगाड़ना है, बल्कि अपनी बॉडी को समझना है कि किस टाइम पे आपकी बॉडी को आराम करने की जरूरत है, कब किस टाइम पे आपको वर्क का लोड लेने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जब हम पूरी तरह से मशीन बन जाते हैं तो ना हम अपने इमोशंस को समझते हैं, ना हम अपने आप को समझते हैं, ना ही बॉडी की नीड को समझते हैं। तो बॉडी की नीड को समझने की जरूरत है। और कुछ जो सिम्टम है वो कि आपकी पीरियड मिस होने के पहले ही आपको दिखाई देती है। अगर महिला की पीरियड साइकिल बिल्कुल 28 से 30 दिन की साइकिल है तो ओव्यूलेशन डे क्या होगा, आपका 13वें 14वें दिन पे होगा। लेकिन ओव्यूलेशन डे हर महिलाओं के अलग अलग हो सकते हैं, किसी महिलाओं के लेट से ओव्यूलेशन हो सकते हैं, किसी महिलाओं के जल्दी हो सकते हैं। तो ओव्यूलेशन को समझ करके ही रिलेशनशिप आपको प्लान करना है। और जब अगर आप रिलेशनशिप में प्लान करते हैं, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो आपकी यूट्रस की वॉल पे चिपका हुआ आपका नन्हा सा जायगोट है, जो कि आपकी बॉडी में सिम्टम देता है। तो जनरली हम लोग बॉलीवुड में क्या देखते हैं, बॉलीवुड में एक ही चीज देखते हैं कि हाँ चक्कर आ गया या फिर उल्टियां आ रही हैं, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी है। लेकिन ये जो चक्कर आना और उल्टियां आना है वो आपको पीरियड मिस होने के बाद से एग्जैक्टली इसको फील होना स्टार्ट होता है। एकदम से आपको नॉजेटिक आप फील नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ पीरियड मिस होने के पहले ही आपको कुछ ऐसे अंदाजे दिखते हैं, जैसे कि आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग फील होगी, आपका पेट बहुत ज़्यादा भारीपन उसमें महसूस हो सकता है, हल्की फुल्की क्रैम्पिंग आ सकती है या फिर हल्की फुल्की आपको गैस जैसी फील हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। अगर आप इसको एज अ सिम्टम के रूप में आप देखिएगा तो ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट होता है, दिखाई दे जाता है। तो उसको आप ज़रूर समझ लीजिए कि अगर आपके पेट में मतलब अपच जैसी हो रही है, इनडाइजेशन की समस्या हो रही है, और हाँ कई बार हल्की फुल्की आप नॉजियाटिक भी फील कर रही हैं, या फिर किसी फूड आइटम को लेके आपको एलर्जी है, बहुत ज़्यादा आप फूड को देख के एकदम परेशान हो जा रही है कि नहीं नहीं मुझे ये फूड नहीं खाना है, नहीं नहीं मुझे तो वो बस वो ही पर्टिकुलर चीज़ खानी है, तो इस तरह की अगर स्ट्रांग फीलिंग आ रही है किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम को लेके, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। लेकिन वहीं पर आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आएगा, आपके ब्रेस्ट हल्के से टेंडर हो सकते हैं, आपको लगेगा कि हल्की सी उसमें स्वेलिंग आ सकती है,
आपको वो ज़्यादा सेंसिटिवनेस उनके अंदर लग सकता है, या फिर यूरिन में भी चेंजेस आते हैं। तो यूरिन में जब चेंजेस आते हैं तो आपका यूरिन जो है पहले से ज़्यादा डार्क लगने लगता है। कई बार वाटर का भी इनटेक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन आपके बीटा एससीजी की जो वैल्यू आती है वो कई बार आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में आपकी यूरिन में पास होने लगती है। और बीटा एससीजी जो होती है वो आपकी प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, और जब तक प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तब तक ये हार्मोन आपके शरीर में नहीं दौड़ता है, तो आपके यूरिन में भी कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि यूरिन में 7 तरह के अगर चेंजेस दिखाई देंगे तो ये चेंजेस नॉर्मल नहीं होते हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। तो प्रेगनेंसी की निशानी को समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स माय वर्ल्ड।